ओम शांति। आज 11 तारीख की मुरली। बाबा की महावाक्य, मीठे बच्चे तुम बाप के बच्चे मालिक हो, तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। प्रश्न, किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। उत्तर, हम बाप के पास आए हैं, वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में स्मरण रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला वो ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंचते ऊंच वह बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में है, हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परंदा में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहां के निवासी हैं। बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है, जो कुछ होता है वो ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं, तुमको ये शरणागति नहीं लेते हो, ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं, तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है, बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ अथवा राजा ही दो। एक है शांतिधाम, दूसरा है सुखधाम। सुखधाम है बाप की मिलकियत और दुखधाम है रावण की मिलकियत। पांच विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं, वो बाप भी हैं, शिक्षक भी हैं, परंतु है निराकार। अब निराकारी आत्मों को पढ़ाने वाला भी निराकार है, वे है आत्मों का बाप। यह सदैव बुद्धि में स्मरण होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। ये भूलने से ही माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना, याद शिव बाबा को करना है। कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी जटफिदा हो जाए। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, तुमको कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला तुमको मिलेगा। स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं यहाँ हम पढ़ते हैं कृष्णपुरी में जाने के लिए। स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना, कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए, नरक से निकलकर स्वर्ग में गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया? जरूर नरक से गया। इसमें तो बहुत खुशी की बात है, सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए, परंतु ये तो समझ की बात है। वो ऐसे नहीं कहेंगे 21 जन्मों के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते हैं स्वर्ग गया। अच्छा फिर उनके आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों हो? क्या नरक का भोजन खिलाने? नरक में तो बुलाना नहीं चाहिए। ये बाप वैद समझाते हैं, हर बात ज्ञान की है ना। बाप को बुलाते हैं हमको पति से पावन बनाओ, तो जरूर पति शरीर को खत्म करना पड़े, सब मर जाएंगे फिर कौन किसके लिए रोएंगे? अभी तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़े, ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे।
तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हमारा ये पुराना शरीर है। बाप भी कहते हैं, मैं पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में ये रथ ही निमित्त बना हुआ है, ये बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए हो ना? ये बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। ये पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़िया थोड़े ही कभी स्कूल पढ़ती है। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, बोलो हम जाते हैं ईश्वरी यूनिवर्सिटी में, वहां हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वो चकित हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, यहाँ ये वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं। ऐसा और कोई कह ना सके, कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया, क्योंकि वो तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो, हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में ये पक्का है कि ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा है जिसके हम संतान हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके, अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते हैं तो औरों की कैसे जानेंगे। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं, मैं जो जानता हूँ सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। राजाएं भी बाप बिगर तो कोई दे ना सके। वहां लड़ाई होती नहीं, यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर ये आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं, मम्मी कम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया है उनको भी याद करो, नहीं कहते हैं मम्मी कम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं। श्री बाबा का फोटो क्या निकालेंगे? बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। समझ की बातें है ना? तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है, संस्कार आत्मा ही ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी ये सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वो बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ, तुमको भी बनाता हूँ। तुम भी सभी को सुख दो, मनसा वाचा कर्मना, कोई को भी दुख ना दो। सबके कान में यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि श्री बाबा को याद करो तो याद से विकर्म विनाश होंगे। सबको ये संदेश देना है कि बाबा आए हैं, उनसे ये वर्षा पाओ। सबको ये संदेश देना पड़े। आखिरन अखबार वाले भी डालेंगे, ये तो जानते हो। अंत में सब कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला, आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांतिधाम में ले जाते हो। यह भी जादूगरी ठहरी ना? उन्हों की है अल्पकाल के लिए जादूगरी, ये तो मनुष्य देवता बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। इस मनमना भाव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर रत्नागर ये सब नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर। ये ब्राह्मण ब्राह्मणिया सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़े ही पढ़ाते हैं, बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वही बाप रचयिता है। बूढ़े भी टीके चले जाए तो ऊंच पद पा सकते हैं। बूढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व भी रहता है, अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती है। कितनों की याद आ जाती है, उनसे बुद्धियोग तोड़ और फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस, फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में बल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता बल रखो। बाप कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम।
अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे? दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं, शादी में जाओ? बाबा कहेंगे, क्यों नहीं जाओ? बाप सिर्फ कहते हैं, काम महाक्षेत्र है, उस पर जीत पानी है, तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते ही है सत्युग में, योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते हैं, निर्विकारी बनो। एक तो ये पक्का करो कि हम श्री बाबा के पास बैठे हैं। श्री बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सत्व प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है ना, यहाँ की कोई चीज में सार नहीं है। कहाँ सत्युग के फल फूल, कहाँ यहाँ के, वहाँ कभी कट्टी बांस चीज होती नहीं। तुम वहाँ का साक्षात्कार भी कर आते हो, तुम्हारे दिल होती है यह फल फूल ले जाए, परंतु यहाँ आते हो तो वो गुम हो जाता। ये सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं। ये है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, ना कि शरीर। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी ये वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना। वर्षा आत्मा पाती है, ये ज्ञान और कोई दे ना सके, इस सिवाय बाप के। ये तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा? वो मनुष्य बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम जानते हो बाप हमारा टीचर सदगुरु है, वो हमको साथ ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुखदाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सत्युग को देखता भी नहीं। श्री बाबा पूछते हैं, हम सत्युग देखते हैं? देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर तो है ही नहीं, तो कैसे देखेंगे? यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं, ये सारी पुरानी दुनिया है, शरीर बिगड़ तो कुछ देख ना सके। बाप कहते हैं, मैं पति दुनिया पति शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ, मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से चिपकर देख आओ, नहीं, पाठ ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं, जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा, सारी याद के यात्रा की बाजी है। यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनके श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सत्व प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वो इस जन्म में उतारनी है, और कोई तकलीफ नहीं है। विष पीने की जो भूख लगती है वो छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी ना करो। बाप कहते हैं, इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बायोस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते हैं। बल बाबा कोई को कहते हैं, देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। ये है भगीरथ। भगीरथ माना भाग्यशाली रथ है ना, जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लोन देने। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं, यह हुसैन का घोड़ा, तुम सबको हसीन बनाते हैं। बाप खुद हसीन है, परंतु रथ ये लिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई है, उनको गोल्डन एजड बनाना है। बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा? ड्रामा है। फिर उनमें जो एक्टर्स हैं, उनमें सर्वशक्तिमान कौन है? शिव बाबा। और फिर रावण।
आधा कल्प है रामराज, आधा कल्प है रावणराज। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं, हम बाप की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है। ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? आपे ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, ज्ञान और योग से। बाप को याद करते रहो तो तुम आपे ही तिलक के लायक बन जाएंगे। बुद्धि में है शिव बाबा, हमारा स्वीट बाप टीचर सदगुरु है, हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे, हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनना है, फिर नरक बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, गरीब नरक में है, परंतु ऐसा नहीं है, ये आई ही नरक। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बायोस्कोप हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बायोस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन उच्च पद लेना है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। सेकेंड पॉइंट, मनसा वाचा कर्मना कोई को भी दुख नहीं देना है, सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको बाप की याद दिलानी है, बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। वरदान, पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह बाबा, पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह बाबा। इसका विवरण, सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं वही हाइनेस और होलीनेस है। जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ सुख शांति स्वतः है। पवित्रता सुख शांति की माता है। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकते। वे बेगमपुर के बादशाह हैं। उनका ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी है। स्लोगन, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, ये चिंतन करना ही स्वचिंतन है। अच्छा, ओम शांति।